Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing number system and this is video lecture number 10. I hope you have already watched part 1 to part 9 before watching part 10. आज हम लोग बात करने वाले हैं representation of irrational numbers on number line system. जैसे root x को represent करना हो अगर number line system पे तो कैसे करेंगे. तो उसी तरीके से किसी और नंबर को भी जैसे रूट 7 को, रूट 9 को, रूट 2.1 को, रूट 3.4 को, रूट 7.9 को, किसी को भी रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके पीछे का लॉजिक क्या है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन सिस्टम पे, जैसे ये हमने एक नंबर लाइन सिस्टम लिया और इस नंबर लाइन सिस्टम पे ये हमने एक नंबर लाइन लिया और इस नंबर लाइन पे हमने कोई डिस्टेंस मान लीजिए एक्स आपको मेजर करना है. एक्स मेजर करना है तो एक्स ले लिया, ये है ओरिजिन और यहां से हमने एक्स डिस्टेंस ये मेजर कर लिया. यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो एक्स है. यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हमने मान लिया एक्स. ले थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं ताकि डिवाइड करने में सुविधा. ठीक है, ये एक्स ले लिया और एक्स यहां से यहां तक का नंबर है. हमने एक्स ले लिया यहां से यहां तक और अब हमें क्या करना है कि एक सेंटीमीटर और लेना है. कितना भी हो हमेशा एक सेंटीमीटर और लेंगे. तो यहां से यहां तक हमने एक सेंटीमीटर और ले लिया, एक ये वन हो गया. तो ओ से ए ये हो गया और ओ से बी, ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया वन यूनिट, वन सेंटीमीटर. और ओ ए कितना है, एक सेंटीमीटर. तो ओ बी कितना हो गया, एक्स प्लस वन सेंटीमीटर. अब आर्क लेकर के और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं आप. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जैसे यहां से आर्क लेके यहां कहीं कट किया, इधर कट किया, फिर इसी से इधर कट किया और इधर कट किया, फिर दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के फॉर्म में ये ज्वाइन हो जाता है और इसका मिडिल पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये आ गया इसका लगभग मिडिल पॉइंट. ठीक है, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया. हम मान लेते हैं कि ये इसका मिडिल पॉइंट है. किसका मिडिल पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम सी. तो ये हो गया ओ सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ बी. तो ओ सी इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया ओ सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू ओ बी बाई टू और ओ बी कितना है हमारा, एक्स प्लस वन. तो ये हो गया एक्स प्लस वन बाई टू. ठीक है, और यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे किया है, ये एक आर्क यहां से खींचा और एक आर्क यहां से खींचा और दोनों आर्क मिलकर के जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे वो हो गया क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इनको ज्वाइन करने से मिल गया. अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मिडिल पॉइंट. चाहो तो आप ऐसे न करके स्केल से भी हाफ इसका ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो अब कैलकुलेट करें कि OA कितना हुआ, सी ए कितना हो गया, सी ए कितना हो गया. तो सी ए कैलकुलेट करोगे तो सी ए का मतलब हो गया कि सी बी माइनस ए बी और सी बी हमारा यहां से आ गया एक्स प्लस वन बाई टू और ए बी क्या है वन. तो ये कैलकुलेट करने से हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस टू बाई टू दैट इज एक्स माइनस वन बाई टू. तो सी ए हो गया हमारा एक्स माइनस वन बाई टू, है ना. तो ठीक है, क्या करेंगे कि यहां से क्या करेंगे कि ओ को सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के, इसको अभी बाइसेक्ट किया था ना, तो इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे. सर्कल एक ड्रॉ करने के बाद आपने सर्कल इसको रेडियस मान के आधा आधा था तो रेडियस मान के ड्रॉ कर लिया. उसके बाद यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खड़ी कर दो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खड़ी कर दो ए पे, है ना, ए पे एक परपेंडिकुलर खड़ी कर दो. और ये परपेंडिकुलर कितना होगा, अब ये हमें कैलकुलेट करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा कितना. तो ये परपेंडिकुलर बेसिकली जो होगा वो मैथमेटिकली कितना होगा, ये देखिए मान लीजिए परपेंडिकुलर यहाँ पे कट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर है, कितना कट कर रहा है. तो ये जो है यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये लाइन जो होगा
ये सी से लेकर के और यहां तक का वो कितना होगा, ये देखना है। तो ये रेडियस हो गया, तो ये सी ए बी और ये पॉइंट मान लेते हैं कि डी है। तो ओ डी और ओ सी बी दोनों, सी बी और सी डी दोनों बराबर है, सी डी और सी बी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो सी बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस 1/2, है ना, यही है सी बी, एक्स प्लस 1/2। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से सी डी कितना होगा, ये ए डी कितना होगा, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। और ये हो गया ए डी कितना है हमारा, ए डी है हमारा निकालना है, और ए सी यहां पे दिया हुआ है एक्स माइनस 1/2। सो दिस इंप्लॉय ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और सी डी है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये है एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये मिल जाएगा कितना, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। माइनस की वजह साइन चेंज हो जाएगा, दोनों में नीचे 4 आएगा एलसीएम, तो ये 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा 4x/4 दैट इज एक्स। तो ए डी स्क्वायर एक्स हो गया, इसका मतलब ए डी क्या हो गया, रूट एक्स। तो ए डी की लेंथ जो होगी वो होगी रूट एक्स, इसका मतलब हुआ कि ये जो यहां से यहां तक है वो रूट एक्स है। अब इसको सेंटर मान करके, ए को सेंटर मान के और ए डी रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करोगे तो ओ कहाँ पे कट करेगा, इसको ओ हमें देखना होगा कि ये कहाँ पे कट करेगा। अगर इसको सेंटर मान के और एक आर्क ड्रॉ करोगे तो ये जो होगा वो इसको जहां पे कट करेगा वही इसका क्या होगा, इसको और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। देखिए अब ये हमने अगर ए को सेंटर मान के और इसको कट किया है तो ये ए डी, ए सेंटर हो गया और ए डी रेडियस हो गया, उस हिसाब से यहां पे कट कर रहता है। अगर अब इसको हम जीरो मान लें तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ओई जो होगा वो होगा कितना हमारा, या ओ डैश ई जो होगा, ओ डैश ई और ओ डैश ए जो है हमारा, चाहे ए ए जो भी हमने माना है, ए डी और ए ए लिख दो, ए तो पहले से माना हुआ है इसलिए ओ डैश मानने की जरूरत नहीं है। तो ए डी और ए, ये दोनों ही क्या होगा, रेडियस है, इसलिए दोनों की डिस्टेंस कितना होगा, ए डी बाई ए इज इक्वल टू रूट एक्स, और रूट एक्स आप यहाँ पे मार्क कर दोगे, इसका मतलब यहाँ पे जीरो और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, रूट एक्स। तो नंबर लाइन पे इसको जीरो मान लेंगे और यहाँ तक आते आते ये रूट एक्स हो गया, बाकी ये चाहे तो आप काट भी सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब चीज की जरूरत नहीं है, तो ये आप नहीं भी रख सकते हैं, ये कोई जरूरत नहीं है, जस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए बना दिया कि ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो रेडियस हुआ, ये जो कट कर रहा है, यही हो गया क्या, रूट एक्स, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रूट एक्स का हम प्लॉट कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर of the circle to the diameter pi c by d. It seems to conflict that pi is an irrational. How will you resolve the condition? ठीक है, pi irrational है. C, since earth is not in exact spherical sense, earth is
सिंस अर्थ इज, सिंस अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप, अर्थ इज नॉट इन एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप, एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप शेप, डायमीटर एफ, डायमीटर ऑफ अर्थ इज वेरिएबल, वेरिएबल एंड देयर फोर वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, पाई इज नॉट फिक्स्ड सिंस डी इज नॉट फिक्स्ड, डी इज नॉट फिक्स्ड एंड हेंस इवन दो इट सीम्स टू बी रैशनल इट इज एन इरेशनल एंड देयर फोर पाई इज इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये लिखना था। दूसरा ये है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन सिस्टम, तो सेम प्रोसेस है इसमें भी, क्या करना है हमें कि ये अंडर रूट 9/3 हमें, 9.3 हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये एक पॉइंट ले लिया ए और यहां से भी ले लिया बी और ये 9.3 हो गया मान लेते हैं, है ना, यहां से यहां तक, और एक सेंटीमीटर का एक और ले लेते हैं, एक सेंटीमीटर का, चूंकि 9.3 हमने लिया है सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, 9.3 की बात है तो 9.3 थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, ये यहां तक ले लिया, ठीक है, ये बी हो गया और सी हो गया जस्ट एक सेंटीमीटर, ये है एक सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों का मिडिल पॉइंट हमने ले लिया और मिडिल पॉइंट लेकर के आप चाहे तो कैंपस से डिवाइड कर सकते हैं या एक सर्कल आप बनाएं और उसके सेंटर को ही मिड पॉइंट कह सकते हैं, है ना, ऐसा सर्कल वो मिड पॉइंट बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये जो है इसका बीच का क्या हो गया, ये बीच का इसका हो गया सेंटर, तो ये है ए, ये है सी, ये है बी और ये मान लेते हैं डी। अब अगर हम बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इसको जहां पे कट करेगा, बी पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें और ये परपेंडिकुलर यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर यहां पे कट कर रहा है, ठीक है, तो ये डी ई हो गया पॉइंट, इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं ई, तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये होगा 10.3/2 और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक ये होगा 10.3/2, तो ये भी होगा 10.3/2, ये होगा 10.3/2 और यहां से यहां तक जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा 9.3 - 1/2, ये होगा 8.3/2 यहां से यहां तक, है ना, और ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा रूट अंडर 9.3, यही था, यही आपने रूट एक्स पहले भी किया था। अब इसका एक आर्क आप ड्रॉ कर देंगे तो आपका ये जहां पे नंबर लाइन पे कट करेगा वो हो जाएगा 9√3, मतलब एक सर्कल ऐसा जो इसको सेंटर मान के ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसको सेंटर मान के जो ड्रॉ किया और यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको अगर जीरो मान लोगे तो यहां से यहां तक हो जाएगा ये एफ, ओ एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3, यही आपको ड्रॉ करना था और ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके, कर देता हूँ, इधर की जरूरत नहीं है, ये इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही आर्क खींचोगे तब भी चल जाएगा, है ना।
शाम चल जाएगा तब भी आपका, ठीक है। तो यहां से ये खाली आर खींचोगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब हो गया 9.3। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया ओ एफ एज 9 अंडर रूट 9.3। तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पे क्वेश्चन है कुछ कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है 1/√7, रूट सेवन को रेशनलाइज करने के लिए रूट सेवन से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में तो रूट सेवन इंटू वन रूट सेवन हो जाएगा, रूट सेवन इंटू रूट सेवन का स्क्वायर हो जाएगा जो कि रूट हट जाएगा 7। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है, ये है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1/√7 − √6, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस है तो प्लस वाले से। तो ये हो गया √7 + √6, ऊपर हो गया √7 + √6, नीचे हो गया √7 का स्क्वायर − √6 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर − √6 का स्क्वायर। तो ये हो गया √7 + √6, नीचे हो गया 7 − 6, √7 + √6, नीचे 7 − 6 = 1, सो √7 + √6 = आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 + √2। अब इसको भी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस वाले का कंजुगेट क्या होगा, माइनस वाला, है ना, प्लस वाले का कंजुगेट होगा माइनस वाला। तो हम √5 − √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा √5 − √2, नीचे वैसे ही ये प्लस भी है माइनस भी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया ऊपर में √5 − √2, नीचे में 5 − 2, यानी √5 − √2 / √3, ये आंसर है, ये रैशनल फॉर्म है। और चौथा जो सवाल है अब उसको देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है 1/√7 − √2, इसको भी इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का कंजुगेट क्या, प्लस, तो ऐसे कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा √7 + 2, नीचे √7, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया √7 + 2 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर 7 एंड 2 का स्क्वायर 4, दैट विल बी 2 + √7 / 7 − 4 = 3, दैट विल बी आंसर। इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारे सवाल बन जाएंगे, और इस सारे सवाल को करने का यही तरीका है, आप इसको रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करके और लिख सकते हैं। तो किसी का भी अगर इरेशनल नंबर है तो उसको रैशनल में कन्वर्ट करने का यही तरीका है कि उसको रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन क्या है, रैशनलाइज लिखा ही हुआ है, रैशनलाइज, रैशनलाइज मींस टर्न देम इनटू रैशनल फॉर्म, एंड हाउ टू डू दैट, मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट। तो ये प्लस वाला है तो इसके कंजुगेट होंगे, ठीक है ना, प्लस वाले का कंजुगेट क्या होगा, माइनस वाला, ये माइनस वाला है इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस वाला, है ना, ऐसा। लेकिन अगर कोई अकेला है जैसे ये है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसके पहले आप ये समझिए कि 0 + 7 था तो 0 − 7 √7 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। आप सोचो कि हम ऐसे इसको अगर समझें कि 1/ ये 0 + √7, √7 के पहले प्लस का साइन है, तो इसके कंजुगेट आप 0 − √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में ये 0 से 1 में मल्टीप्लाई होकर 0, और ये हो गया ऊपर में −√7, और नीचे में हो गया 0 का स्क्वायर − √7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, −√7/0 और √7 का स्क्वायर 7, ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया, √7/7। तो बात वही के वही है, देखो यही चीज यहाँ पे भी आया है, आया है कि नहीं आया, यही चीज यहाँ पे भी आया, यहाँ पे यही चीज आ गया, तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस है वो तो है ही है ना, कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर नीचे में कोई इधर रैशनल टर्म नहीं है
तो जो भी इरेशनल फैक्टर है, जो भी इरेशनल टर्म है, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि नीचे वाला जो रैशनल इरेशनल टर्म है वो स्क्वायर होने से वो क्या हो जाएगा, रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं, और ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले दिन इसका जो आखिरी चैप्टर है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक पूरा एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।